प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर उन्हीं की पार्टी के नेता और वसुंधरा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफा बट्टा लगा रहे हैं। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफा की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में मंत्री जी खुलेआम पेशाब कर रहे हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे मंत्री जी दीवार से लगकर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को पानी में बहा रहे हैं। बात हंसने की नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत का सपना साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में उन्हीं के पार्टी के नेता की ऐसी हरकत शर्मनाक है। मंत्री जी जहां खुलेआम पेशाब कर रहे हैं, वहां सफेद रंग की सरकारी गाड़ी भी खड़ी है और मंत्री जी को कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए उन्होंने गाड़ी के पास एक पहरेदार भी खड़ा कर रखा है। तो बुधवार को इस मामले में मंत्री कालीचरण ने पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप तो ये कह रहे नहीं है मेरा, ये नहीं है। तस्वीर वायरल होते ही विपक्ष ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने कहा कि सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत की बात करती है और वहीं दूसरी ओर उन्हीं के मंत्री खुले में पेशाब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के अभियान की राजस्थान सरकार के मंत्री किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको सार्वजनिक रूप से राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ साहब को माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के कारण, क्योंकि आप जनता को क्या सीख देना चाहते हैं। सरकार का स्लोगन है स्वच्छ भारत अभियान और सरकार में बैठे हुए मंत्री, चाहे वो दिल्ली की सरकार का स्लोगन हो चाहे राजस्थान की सरकार का स्लोगन हो, अभी भी बजट में मुख्यमंत्री जी ने प्रोविजन किया है स्वच्छ भारत मिशन के लिए, तो ये सरकार के मंत्रियों के आचरण को देख के इससे सरकार को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि उनके स्लोगन को उनकी सरकार में बैठे हुए मंत्री वही धज्जियां उड़ा रहे हैं उसकी, और इसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि नियमों के मुताबिक सड़क किनारे पेशाब करने पर पुलिस 200 रुपए का जुर्माना वसूल कर सकती है। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।